लेकिन स्टूडेंट्स बी पार्ट जो है इस फर्स्ट यूनिट का आज सॉल्व करेंगे। इसमें हमें एक्चुअली आर्टिकल चूज करना, चूज वेदर द ई सेंटेंस नीड इनडेफिनिट आर्टिकल आ एन और अ डेफिनेट आर्टिकल द और नो आर्टिकल। तो जो फर्स्ट है, ही आस्क्ड मी अ वेरी हार्ड क्वेश्चन, आ लगेगा यहाँ पर। द क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वॉज वेरी ईजी, हैव यू सीन माय स्कार्फ। इसमें एक्चुअली किसी आर्टिकल की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। कुड यू प्लीज़ पास मी सॉल्ट, इसमें भी नहीं लगेगा पास मी, लेकिन हम यहाँ पर द यूज़ कर सकते हैं। कैन यू पास मी द सॉल्ट। इज़ देयर अ गुड रेस्टोरेंट अराउंड हेयर। द रेस्टोरेंट दैट माई फ्रेंड ऑन्स इज़ वेरी गुड, यहाँ पर हम द यूज़ कर सकते हैं। आई हैव सेवरल गुड फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। द UAE इज़ अ ब्यूटिफुल कंट्री। I'll see you in a week, यहाँ पर आर्टिकल यूज़ होगा आ। I am on vacation until Monday, यहाँ पर हमें आर्टिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, डी पार्ट है इसका, जो उसको हम जो है सॉल्व करेंगे। लिखा है फिल इन ईस्ट ब्लैंक विद पास इनडेफिनेट और पास कंटिन्यूस टेंस ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट्स। वट वर यू डूइंग, यहाँ पर एक्चुअली आएगा वट वर यू डूइंग, वर यू लगेगा और डू की जगह यहाँ पर यूज़ होगा DOING डूइंग। वैन आई कॉल्ड यू, CALLED कॉल्ड यू। ओके, जो नेक्स्ट है आई सिट इन द कैफे वैन यू कॉल मी, तो इसका लगेगा आई वॉज सिटिंग इन द कैफे वैन यू कॉल मी। आई वॉज और सिट की जगह यूज़ होगा सिटिंग, SITING सिटिंग इन द कैफे वैन यू कॉल मी। वैन यू अराइव एट द बस स्टैंड हु बी देयर, तो इसको हम सॉल्व करेंगे यू। वैन यू अराइव्ड एट द बस स्टैंड हु वॉज देयर, वैन यू अराइव्ड जब तुम बस स्टैंड पर आए, एट द बस स्टैंड हु वॉज देयर। ओके, एंड फोर है हु वॉज देयर, शमसा वॉच अ फिल्म वैन शी हेयर द नॉइज। शमसा वॉज वॉचिंग अ फिल्म वैन शी हर्ड द नॉइज। शमसा वॉज, और क्योंकि वाज लग गया है तो वॉचिंग WATCHING वॉचिंग यूज़ होगा। वैन शी हर्ड HEARD हर्ड द नॉइस। फिर है वी प्ले टेनिस वैन जावेद हर्ड हिज एंकल। वी वर प्लेइंग टेनिस वैन जावेद हर्ड हिज, यहाँ पर हर्ड ही यूज़ होगा हिज एंकल। तो इसको प्लीज़ सॉल्व कीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।